हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, 6 मंथ तक बच्चों के लिए माँ का मिल्क ही संपूर्ण आहार होता है। 6 मंथ तक बच्चों को सभी तरह के न्यूट्रिशन सिर्फ माँ के मिल्क से ही मिल जाता है। उन्हें अलग से किसी और तरह के न्यूट्रिशन की नीड नहीं होती है। बट 6 मंथ के बाद बच्चों को माँ के मिल्क के साथ कुछ सॉलिड फूड भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि 6 मंथ के बाद बच्चों का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है। बच्चों की भूख बढ़ रही होती है जो सिर्फ मदर मिल्क से पूरी नहीं हो पाती है। सो सॉलिड फूड के ऑप्शन में ग्रेन्स के साथ बच्चों को डिफरेंट टाइप की फ्रूट प्योरी बनाकर खिलाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। ये न्यूट्रिशन से भरा होता है, इसे बनाना भी आसान होता है, साथ ही बच्चे इसे इजीली डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में हम बनाना प्योरी रेसिपी के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि बच्चों के लिए बनाना प्योरी कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्पल प्योरी रेसिपी की वीडियो ऑलरेडी बन रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए एप्पल प्योरी कैसे बनाना है तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 6 मंथ के बाद आप बच्चों को बनाना प्योरी बनाकर इजिली खिला सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसे बनाने के लिए बनाना को बॉयल करने की नीड नहीं होती है। और अगर बनाना के न्यूट्रिशंस की बात करें तो बनाना में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन पाया जाता है। ये बच्चे में आयरन की कमी को दूर करता है, साथ ही बच्चों के वेट को गेन करने में हेल्प भी करता है। बनाना प्योरी बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है। पहला है बनाना, दूसरा है ब्रेस्ट मिल्क या वाटर। आइए अब जानते हैं कि इस प्योरी को बनाना कैसे है। बनाना को छिलकर नाइफ की हेल्प से ऊपर और नीचे के टिप को थोड़ा थोड़ा करके निकाल दें। फिर पूरे बनाना को सर्कल शेप में मिस गोल गोल पीस में काटते जाए। फिर इन कटे हुए टुकड़ों को ब्लेंडर या मिक्सर में डालकर ब्लेंड कर दें। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप फॉर्क का यूज भी कर सकते हैं। फॉर्क की हेल्प से आप कटे हुए बनाना को मैश कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए आप थोड़ा सा पानी, लगभग 3 से 4 स्पून पानी या 3 से 4 स्पून ब्रेस्ट मिल्क को ऐड कर सकती हैं। फिर स्पून की हेल्प से आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। बच्चे के लिए बनाना प्योरी रेडी है। प्योरी को बेबी बाउल में निकालकर बच्चे को आराम से प्यार से खिलाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आपने नया विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।